This is a place for scientists, inventors, entrepreneurs. This is Career Point University. दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और दोस्तों आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं पंचायत के कार्यों में गड़बड़ी होने पर जो तकनीकी सहायक होते हैं और जेई हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गलत कार्य होने पर उनको क्यों सस्पेंड ना किया जाए, आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। दोस्तों बहुत सारे मुद्दे आपके बीच में हम लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं जो पंचायतों में जुड़े हुए हैं उन गड़बड़ियों से जो अनदेखी रह जाती हैं। हमें पता नहीं लगता है कि ये गड़बड़ी हो रही है, लेकिन मैं आपको समझाता हूं इसका गड़बड़ी का तरीका क्या है। तरीका यह है कि जब कोई प्रस्ताव डाला जाता है, जब कोई कार्य किया जाता है, मंजूर होता है, तो ब्लॉक ऑफिस से वो फाइल पहले साइन होकर आ जाती है कि हां इतने का कार्य सैंक्शन किया जा रहा है। अगर उसमें 50,000 रुपए सैंक्शन हुआ है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि 50,000 का 50,000 ही उसके अंदर खर्च होना है। उसका अर्थ यह है कि 50,000 रुपए तक इस कार्य में खर्च किए जा सकते हैं। अब पंचायतें इसमें क्या गड़बड़ करती हैं, जो पैसा आया उसके अकॉर्डिंग उस कार्य का एक प्रोजेक्ट बनाकर उतना सीमेंट इशू करा लेती हैं, और उतना क्योंकि सीमेंट इसलिए इशू होता है क्योंकि उसके पीछे उन्होंने उन चीजों के बिल लगाए होते हैं जो मेटीरियल होता है, और उस मटेरियल की असेसमेंट के हिसाब से वो सीमेंट इशू हो जाता है। जब वो सीमेंट इशू हो जाता है तो कार्य चालू हो जाता है। अब उसके अंदर कार्य वो मनरेगा के तहत डाला गया है या फिर वो 14वें वित्त आयोग में डाला गया है, ये अभी बात का विषय, अभी इस पे मैं जाऊंगा नहीं। मेरा ये कहने का अर्थ ये है कि जो हेड आपको डाला गया है और उस हेड में लिखा जाता है कि इस कार्य को यहां से यहां तक कराया जा रहा है, उसकी शुरू करने की और खत्म करने की जगह बताई जाती है, तो उसी हिसाब से असेसमेंट हुआ होता है। अब पंचायत जब उस कार्य को कराती है तो उसके अंदर क्वालिटी को कई बार हम पैमाने पे नहीं रख पाते हैं, तो जो क्रशर की मटेरियल की लगाई होती है, रोड़ी लगाई होती है, उसकी जगह हम खड का रोड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं। जो रेता हमने फर्स्ट क्लास क्वालिटी का डाला होता है वो हम खड से उठा के ले आते हैं, तो उससे प्राइस का जो डिफरेंस है वो आ जाता है, क्योंकि वो क्रशर की जो एक गाड़ी है वो 6,500 रुपए की आएगी और वही रोड़ी खड से 1500 रुपए में आ जाएगी, तो 4 गुना का डिफरेंस सीधा सीधा कार्य में निकल के आ जाता है। यानी 6,000 का बिल दिया और 1500 रुपए का माल लगाया, तो आप सोचिए ये धांधली नहीं तो और क्या है। अब इसमें जो जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि प्रधान तो कार्य करा रहा है, वार्ड मेंबर तो कार्य करा रहा है, तो उनका तो अपना रोल है उसके अंदर, अब वो उसको गलत थोड़ी ना बोलेंगे। अब यहां पर जो सबसे बड़ा रोल बनता है वो बनता है सेक्रेटरी का, पंचायत सचिव जिसको आप बोलते हैं, कि जब उन्होंने बिल आपको दिया है तो वो बिल किस चीज का दिया है, और मौके पे तकनीकी सहायक के साथ में रिपोर्टिंग करते हुए चेक करते हुए ये चेक करना कि यहां पर कौन सा माल लगाया जा रहा है, इसी के बीच में गड़बड़ है। अब इस गड़बड़ को अगर हम देखें तो ये अपने आप में एक बड़ी गड़बड़ है, यानी पंचायतों के अंदर जो गड़बड़ियां हो रही हैं इसी जगह पर आधारित है। अब इसके अलावा अगर स्टॉल लगाए हो, मनरेगा का हो, वो विषय अलग होता है, उसमें भी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, जैसे कि हमने आपको लगातार बताया। मेरा सवाल यहां ये है कि जो तकनीकी सहायक हैं उनकी जिम्मेवारी क्या है, या फिर जो जेई है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या उनको चेक करने के लिए हर एक व्यक्ति को जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको तो अपॉइंट इसलिए किया गया है कि वो गलती जो वहां हो या जो कार्य किया जा रहा है उसको चेक करे। उनके सामने खटका रोड़ा लगाया जा रहा है, उनके सामने वहां पर गलत कार्य किया जा रहा है, उसके सामने सब चीजें हो रही हैं, लेकिन वो आंख बंद करके बैठा हुआ है। अब अगर मीडिया यहां बात उठाता है तो फिर वो आनंद फानंद में कोई कोई ना कोई सेटलमेंट करने का स्टेटमेंट देने का प्रयास करता है। मैं पूछना चाहता हूं ऐसा क्यों? क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है कि जो ब्लॉक में या पंचायत में कार्य कराए जा रहे हैं, जो पंचायतें उनके पास हैं उनकी देखरेख करें? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई काम आज शुरू किया और आज ही खत्म हो गया, 2-4 दिन तो लगते ही हैं। तो हर कार्य में अगर 1 दिन भी 2 दिन की भी उसके अंदर इंस्ट्रक्शन रखी जाए और सख्त निर्देश दिए जाए पंचों को और उन लोगों को जो वहां कार्य कर रहे हैं, तो गलत होने का सवाल ही नहीं बनता। लेकिन ये सब मिलीभगत होती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और ये अधिकारी भी जानते हैं, ये कर्मचारी भी जानते हैं। फिर जिम्मेवारी किसकी है? तो मेरा यहां निवेदन है प्रशासन से कि अगर ऐसा कोई मैटर आता है तो पंचायतों के माध्यम से जो कार्य कराए जा रहे हैं उनमें जो तकनीकी सहायक हैं और जो जेई हैं उनको सीधा सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जब तक डर नहीं होगा तब तक कार्य नहीं हो सकता। ये जो भाईबंदी वाली सरकार चल रही है, जो भाईबंदी वाला कार्य चल रहा है, यही तो हमारे समाज को भ्रष्टाचार की तरफ ले जा रहा है।
और हमें इसके ऊपर जागना होगा। आप सब लोग भी जागरूक होइए, आपके गांव में जो कार्य हो रहा है उसकी आप भी छानबीन कीजिए, चेक कीजिए कि जो कार्य किया जा रहा है उसके अंदर क्या मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, कहां से कहां तक किया जा रहा है, कौन लोग कार्य कर रहे हैं, पूछिए। क्योंकि आपके गांव में पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको जिम्मेवारी दीजिए, क्योंकि आपके गांव की तरक्की की बात है। अगर रोड बनेगा खराब हो जाएगा 6 महीने में तो फिर उसके ऊपर पैसा लगेगा। और ध्यान रखिए, ये पैसा सरकार नहीं दे रही है, ये आपके माध्यम से ही टैक्स के रूप में आपके ऊपर ले जाना है, आपको ही देना है। अगर आप ज्यादा नुकसान कर रहे हैं या आप भ्रष्टाचार में पैसे को खर्च करने की इजाजत दे रहे हैं तो कल इसका बोझ आप पर ही पड़ेगा। एक आम आदमी तो अपनी रोजी रोटी कमाने में इतना व्यस्त हुआ पड़ा है कि उसके पास समय ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए निकालिए और चेक कीजिए कि कहां क्या कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों को इंटरप्ट कीजिए, पूछिए। आपका अधिकार है और आपका कर्तव्य भी है, समाज के उत्थान के लिए, समाज के लिए आपको ये जिम्मेवारी जरूर निभानी पड़ेगी। जीवन उत्साह न्यूज आपको जागरूक करना चाहता है कि भ्रष्ट लोगों के खिलाफ आवाज उठाइए और अपने अधिकारों के लिए लड़िए, तो आपके कर्तव्य पूरे हो सकते हैं। इसी तरह से आप बने रहिए हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।